हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक बार फिर से एंड्रॉयड क्यू अपडेट के बारे में दोस्तों। और इस बार बात करेंगे अपन शाओमी के फोन्स के बारे में, यानी कि MI A3, MI A2, MI A1 के बारे में दोस्तों। और उसके बाद अपन बात करेंगे वन प्लस के फोन्स के बारे में दोस्तों। तो वीडियो में सब कुछ कन्फर्म बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इस चैनल पर दो गिव अवे कर रखे हैं। उन गिव अवे की लिंक्स आपको मिल जाएगी आई बटन के अंदर। उन वीडियोस को देखकर आप उन गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दोस्तों आप विनर बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शाओमी के बारे में दोस्तों, शाओमी के MI A3 के बारे में। MI A3 के लिए दोस्तों शाओमी ने बोला था, जब MI A3 लॉन्च हुआ था तब बोला था कि इस फोन के अंदर हम एंड्रॉइड क्यू का अपडेट सबसे पहले देंगे। बट दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फोन्स के अंदर एंड्रॉइड क्यू का अपडेट दे दिया है, जैसे कि दोस्तों सैमसंग हो गया, वन प्लस हो गया दोस्तों, और दोस्तों गूगल के पिक्सल फोन के अंदर भी एंड्रॉइड क्यू का अपडेट कब से मिल चुका है। बट दोस्तों शाओमी ने जैसा कि लॉन्च के टाइम पे बताया था कि इस फोन के अंदर हम एंड्रॉइड क्यू का अपडेट सबसे पहले देंगे, बट दोस्तों ये दिसंबर मंथ आ चुका है, इसके अंदर भी आपको किसी प्रकार का एंड्रॉइड क्यू का अपडेट देखने को नहीं मिला है MI A3 के अंदर। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, मैं जब भी इनके कस्टमर सपोर्ट से बात करता हूं, ये वर्क इन प्रोग्रेस के लिए बताते हैं। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जनवरी महीने के अंदर, यानी कि 2020 के अंदर ही आपको इस फोन के अंदर एंड्रॉइड क्यू का अपडेट देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों MI A2 के बारे में। तो दोस्तों MI A2 के अंदर आपको एंड्रॉइड क्यू का अपडेट अभी तक नहीं मिला है, और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड क्यू का जो अपडेट है वो मिलेगा आपको फरवरी महीने के फर्स्ट वीक के अंदर। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं इनके कस्टमर केयर से बात करता हूं और दोस्तों उनकी तरफ से यही रेस्पॉन्स होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। दोस्तों सभी के लिए यही बोलते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस, कोई कन्फर्म जानकारी नहीं देते हैं। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि दिसंबर महीने के अंदर नहीं होके जो MI A2 का जो अपडेट है एंड्रॉइड क्यू का, वो मिलेगा आपको फरवरी महीने के फर्स्ट वीक के अंदर। अब बात करते हैं MI A1 के बारे में। तो दोस्तों MI A1 के बारे में अभी तक कोई कंफर्म जानकारी नहीं दी है। जब भी इनके कस्टमर सपोर्ट से हम बात करते हैं तो दोस्तों वो भी यही बताते हैं कि डेवलपर वर्क कर रहे हैं, बट दोस्तों ये नहीं बताते हैं कि आपको एंड्रॉइड क्यू का अपडेट इस फोन के अंदर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मेरा ओपिनियन यही है दोस्तों कि इस फोन के अंदर एंड्रॉइड क्यू का अपडेट नहीं मिलेगा। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अब बात करते हैं दोस्तों वन प्लस के बारे में। तो दोस्तों वन प्लस के 6T और वन प्लस के 6 के अंदर एंड्रॉइड 10 का अपडेट आ चुका है, यानी कि एंड्रॉइड क्यू का अपडेट आ चुका है। इसके अंदर आप एंड्रॉइड क्यू का अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, ऑक्सीजन OS 10 का भी अपडेट दे दिया है वन प्लस ने। तो दोस्तों ये दोनों ही अपडेट कर सकते हैं आप वन प्लस के 6 और 6T के अंदर।